हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोग हेयर कट कैसे सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है देखिए इस तरीके से, और उनको सपोज स्टेप कटिंग करवानी है, तो आप क्या करोगे, स्टेप कटिंग में जितनी लेंथ जाएगी उससे नीचे के बालों में आप कोई हेयर कट सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूं, तो आपको देख के समझ में आएगा कि एक कैसे सीख सकते हैं और आप लोग भी कैसे सीख सकते हो। सपोज हमारे क्लाइंट को जो है दो दो इंच बाल कटवाने हैं, तो जो दो इंच में जो नीचे के दो इंच है ना, उनमें हम अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बालों को जो है वाटर स्प्रे से आप लोग इस तरीके से गीला कर दीजिए ताकि बाल जो है अच्छे से गीले हो जाए, बालों में बाउंस ना रहे। और जैसे इनके कर्ली हेयर है तो इनके जो हेयर है हमें काफी जो है वेट करके जो है मतलब खींच के और तब उनको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेंथ डिसाइड करनी है कि आपके क्लाइंट को क्या लेंथ चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से लेंथ डिसाइड करेंगे और हम वहां पर एक कट लगाएंगे। अगर हमें ये लोग मतलब यू शेप सीख रहे हैं, हल्की से राउंड शेप जो एक बेसिक हेयर कट होता है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे देखिए एक कट लगाया, देखिए यहाँ पे, तो आप लोग भी इसी तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, एक कट हमने लगा लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना यू देना है। अगर हमें डीप यू देना है तो हम कंधे के यहाँ पर कट लगाएंगे, अगर हमें हल्का सा राउंड देंगे तो हम हल्का सा इसको राउंड बनाएंगे, जैसे सी होता है ना, सी बनाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरी स्टूडेंट कर रही है, ये देख सकते हो इस तरीके से। और जो हमने मेन कट लगाया था नीचे की साइड, उसको मिला देंगे ऊपर वाले कट से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग हेयर कट करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और जो है बहुत इजीली आप लोग सीख भी जाओगे। तो हेयर कट सीखने के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी सीजर जो है बहुत तिरछी चल रही थी, तो ऐसे नहीं करना है आपको, जैसे प्रॉपर वर्ड होता है ना, जैसे सी वर्ड होता है वैसे बनाना है आपको, देखिए इस तरीके से, तो वो हल्का सा राउंड में आ जाएगा। देखिए एक साइड के बाल देखिए इस तरीके से कट गए। अब इनको तो जो मेरी क्लाइंट है इनको और ज़्यादा बाल कटवाने थे, तो इनके जो नीचे के बाल हैं, बचे हुए बाल हैं, तो अब उन पर मैंने अपने स्टूडेंट को जो है हेयर कट सिखाया। तो इस तरीके से आप लोग सीख सकते हो, देखिए एक साइड से सही हुए हैं और दूसरी साइड से थोड़ा सा जो है ज़्यादा कट गया। तो इस तरीके से जब आप लोग रियल हेयर पे सिखाओगे, कटिंग करना सीखोगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि एक ने तो सही से राउंड बनाया है, एक ने नहीं बनाया है, तो उनका फर्स्ट टाइम था जिन्होंने बनाया, उन्होंने आज तक कभी सीजर भी नहीं पकड़ी हाथ में हेयर कट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग जब काम करोगे तभी जो है आपको पता चलेगा कि कितना जो है आपका हाथ सही चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमें तो लेंथ और छोटी करनी है, तो अगर हमारी हेयर कट खराब भी हो गया तो भी हम उसको सही कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और जब आपके कर्ली हेयर हैं तो इस तरीके से खींच खींच के आप जो है हेयर कट करोगे, इन छोटे छोटे बालों को जो है ट्रिम करोगे। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हो और मेरे चैनल पर भी नए हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को विजिट कर लो, और वहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे पार्लर से रिलेटेड, आपको लगभग हर तरह के टॉपिक मिलेंगे। तो जो है वहाँ पर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को और ऑल में प्रेस करके रखिएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है जो हमारी शेप है वो प्रॉपर हो चुकी है शेप, बस हमें क्या करना है, रीचेकिंग करनी है। तो हेयर कट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रीचेकिंग करना। अब देखिए ये रीचेकिंग कर रही है और जो शेप इनको बनानी थी उस शेप को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो फायदे हो गए, इन्होंने जो है हेयर कट भी सीख लिया और इसमें इनकी लेंथ भी ख़राब नहीं हुई। इतने बार इनके वैसे भी जाने ही थे, तो मैं जो है इनका दूसरा हेयर कट कर दूंगी और जो है स्टूडेंट भी सीख जाएंगे। इस तरीके से देखिए राउंड बन चुका है इस तरीके से, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हम जो है चेकिंग करते रहेंगे ताकि बालों में जो बचे खुचे एक आध बाल ऊपर नीचे होते हैं वो हम चेक कर ले और उनको काट ले। ठीक है, आसानी से देखिए इस तरीके से देख सकते हो आप। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो है आपने वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा। अब देखिए हम फ्रंट वाले सेक्शन बैक साइड लेंगे इस तरीके से उठा के, और इनको भी हम हल्का सा ट्रिम कर देंगे। तो फ्रंट का जो सेक्शन होता है वो हमेशा आपको क्लाइंट से पूछना है कि वो कितना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से रीचेकिंग इस तरीके से, क्योंकि कर्ली हेयर है और कर्ली हेयर में बाउंस होता है बहुत ज़्यादा,
इस तरीके से देखिए हम चेकिंग करते रहेंगे, रीचेक करते रहेंगे, जब तक हमें एक प्रॉपर हेयर कट नहीं मिला तब तक हम रीचेकिंग करते रहेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो अभी एक साइड से थोड़ा सा जो है बड़ा है, तो उस साइड से हम और कट कर लेंगे इसको। तो जब तक हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं हो तब तक हमारा क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, ठीक है, हेयर कट को लेकर। और देखिए फाइनल ये हेयर कट है इनका। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, हेल्पफुल वीडियो में, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और आप लोग कमेंट करके यार जरूर बताया करो कि किस टॉपिक पर आपको आगे वीडियो देखनी है, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अब देखिए ये है इनका फाइनल हेयर कट, और जो इनके फ्लोर हेयर हैं वो ये हैं, देख सकते हो आप। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।